एक सरकारी स्कूल है हमारे गांव में, वहाँ हमने 4 साल फ्री में पढ़ाया। अभी किस अवस्था में, हम लोग खुद बेरोजगार हैं और उस अवस्था में हम लोग फ्री में पढ़ाए हैं, 4 साल वहाँ पढ़ाए हैं। उसके बाद वो आंदोलन होता है और आज हम यहाँ आते हैं कि आज राज्य को बदलने के लिए हम चल पड़ते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तीसरा क्या था? शोषण के विरुद्ध अधिकार। रिपीट कर दीजिएगा, 4-2। पहला वाला जो आएगा वो 5 में, लास्ट वाला 1 में, और बीच में रिपीट कीजिएगा 4-2। यानी दूसरा वाला 4 में 2 में, 4 में 2 में 1। कैसा लगा क्लास? बहुत अच्छा। मजा आया? सबको समझ में आया कि नहीं? और मैं पहला मकसद यही कि जो पढ़ने वाले हमारे छात्र छात्राएं हैं उनको मुकाम। अभी आप देखिए कितनी मेहनत से पढ़ रहे हैं कि नहीं? आप क्यों पढ़ रहे हैं कि जब हम बीए एमए पास कर जाए उसके बाद कुछ करें, कुछ बने? लेकिन आज क्या होता है, अभी कुछ दिन पहले रिजल्ट आया जेई का, इंजीनियर लोग का बहाली होता है, उसमें क्या है कि 61 में 39 है जो गैर राज्यों को मिल गया। क्यों मिला ना, वे लोग पैसा दिए। इसलिए हम एक व्यवस्था के लिए लड़ रहे हैं कि हमारे पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनको निराशा ना लगे। जैसे मान के चलिए अभी देखिए आप, अभी आपके बहुत सारे दीदी लोग भैया लोग मैट्रिक का एग्जाम लिखे हैं, लिखे हैं बहुत सारे लोग लिखे हैं, इंटर की भी परीक्षा को लिखे हैं, लिखे हैं ना। और जब वो 80% मार्क्स लाएंगे, 90% मार्क्स लाएंगे तो क्या आप उन्हें बधाई देंगे? हम भी देते हैं, तो अपने व्हाट्सएप की डीपी में लगाएंगे तो भाई स्टोरी मेंशन करेगा। लेकिन क्या होता है, 5 साल बाद फिर वही भाई बहन हमारे लुप्त हो जाते हैं, बहन विवाह के कहीं चली जाती है, वो 90% मार्क्स लाई। क्यों नहीं? राज्य की सरकारों को यहाँ के नौजवानों की चिंता नहीं होने के कारण। आज हमें स्कूल में क्या मिलता है, बस स्कूल के कपड़ों का रंग बदल रहा है, हमारे चेहरे का, हमारे अंदर का रंग तो वही है, क्योंकि हमारी एजुकेशन सिस्टम की जो प्रणाली है आज देख सकते हैं, हम जो पढ़ने के बाद जब बाहर जाते हैं तो वहाँ देख सकते हैं। खैर वो सब अलग बात है, 8 क्लास है ना। अच्छा अभी अभी भी हम भी बोले आज हम लोग राजनीति के अखाड़े में है, लेकिन हम लोग भी स्टूडेंट है, बस थोड़ा सा फर्क है, आप स्टूडेंट है, मैं स्कॉलर है। और स्टूडेंट कहाँ तक होता है, जैसे मास्टर पास तक अपने आप को स्टूडेंट बोलेंगे, तो एमए होता है ना, जैसे स्टार्टिंग होता है 0 से, नर्सरी से स्टार्ट करते हैं, और डॉक्टरेट एक अंत की उपाधि होती है। अब डॉक्टरेट का 1000 बार कीजिए लेकिन उससे ऊपर कुछ और नहीं होता है, अब 4 बार रिपीट कीजिए, डीएससी कीजिए, पीएचडी कीजिए, डिलीट कीजिए, यानी डॉक्टरेट उपाधि एक मानव होती है। मास्टर पास तक लोग अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं, मास्टर साइंस मास्टर जो भी है, और हम जो पीएचडी के छात्र होते हैं वहाँ स्कूल कराया जाता है। हम लोग भी कह सकते हैं कि आपकी तरह छात्र ही, हमारी भी पढ़ाई चल रही है। और आपका रुचिकर सब्जेक्ट क्या है, सबकी रुचि है कहीं अलग अलग होगी। अच्छा इनमें से कितने बच्चों को इंग्लिश सब्जेक्ट पसंद है? काफी कम लोग हैं इंग्लिश, है ना। एक्चुअली सही बात है कि देखिए हम भी इंग्लिश से पीएचडी कर रहे हैं, लेकिन हम स्वीकार करते हैं कि भाई उतने एक्सपर्ट हम लोग नहीं हो पाएंगे, क्योंकि मेरी माँ की भाषा इंग्लिश नहीं है, मेरे बाप की भाषा इंग्लिश है। वो क्या एक लॉन सब्जेक्ट, हमने उसको लॉन लिया, अंग्रेज हमारे देश में रहे, तो जब रहे तो अंग्रेजों ने यही किया था कि अपनी संस्कृति को लोगों के बीच स्थापित कर दिया था, तो हमें सीखना पड़ा। और आज तो जो भी काम है अंग्रेजी के बिना होता नहीं है, आप जो भी ऑफिशियल वर्क करने जा रहे हैं तो मैक्सिमम आपका, आप अभी कोई भी फॉर्म अप्लाई करने जा रहे हैं तो अंग्रेजी में, अब जैसे ही आप गूगल में कोई फॉर्म डाउनलोड कर रहे हो किसमें, अंग्रेजी में, किसी फॉर्म को भरिए, या स्कॉलरशिप भर रहे हैं, या फिर आप अप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर रहे हैं, मेनली इंग्लिश में, तो थोड़ा सा जमाने के अनुसार आपको अंग्रेजी थोड़ा सा पकड़ होना चाहिए।
और इसमें आपकी कसूर नहीं है, आपका कोई कसूर नहीं है दोस्त, क्योंकि आपकी माँ की भाषा इंग्लिश नहीं है ना आपके पिताजी की भाषा इंग्लिश है, आपकी नानी की भाषा इंग्लिश नहीं है ना आपके नानों की भाषा इंग्लिश है, ऐसे हम इंग्लिश के हैं और बाकी से, और अभी काफ़ी दिनों तक स्कूल में पढ़ाए हैं, एक सरकारी स्कूल है हमारे गाँव में, वहाँ हमने 4 साल फ्री में पढ़ाया। अभी किस अवस्था में हम लोग खुद बेरोजगार हैं और उस अवस्था में हम लोग फ्री में पढ़ाए हैं, 4 साल वहाँ पढ़ाए हैं, उसके बाद वो आंदोलन होता है और आज हम यहाँ आते हैं कि आज राज्य को बदलने के लिए हम चल पड़ते हैं। फिलहाल हम क्या पढ़ रहे थे अभी? एसएसटी में क्या पढ़ रहे थे? जब देखें शास्त्र ना, सामाजिक अध्ययन, समाज शास्त्र, सामाजिक विज्ञान, तो एसएसटी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, तो उसमें से कौन सा कौन सा सिविक्स था, इकोनॉमिक्स था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, ये 4 और सिविक्स को ऐसे पॉलिटिकल बोला जाता है ना, सिविक्स को ही पॉलिटिकल साइंस बोला जाता है, तो यानी आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। सब्जेक्ट रिलेटेड क्या चीजें हैं हमारे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार पढ़े हैं ये तो हमको लगता है 6-7 से तो पढ़ते हैं, तो क्या आपके पास को जानकारी हमारे कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। क्या कोई हमें नाम बताएंगे 6 मौलिक अधिकार के नाम क्या है? समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शैक्षणिक अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें अब आज के डेट में हमें ऑब्जेक्टिव भी याद करना पड़ता है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या बताएंगे किस आर्टिकल में किस अधिकार का राइट का जिक्र है? जैसे आपने 6 अधिकार की बात कही, वह भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद मूल है, तो इनका विवरण किस अनुच्छेद में है, क्या आपको जानकारी है? चलिए हम इसी विषय पर थोड़ा सा लेते हैं, मौलिक अधिकार ना, हाँ थोड़ा खराब लिखेंगे तो नाराज मत हो जाएगा, बहुत दिन से कलम पकड़े नहीं है, अच्छा नहीं लिखते हैं हम, इसको हमने क्या बोलते हैं फंडामेंटल राइट है ना, और ये आपके 6 मौलिक अधिकार का जिक्र है आपका, अनुच्छेद 12 से 35, लेकिन इसमें से आपका 6 का अगर बात करेंगे तो 14 से 32, अगर आपके 6 मौलिक अधिकार उसमें कुछ मार्शल एक्ट है, मार्शल एक्ट का मतलब है कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ सेना का कंट्रोल रहेगा, वहाँ सरकार का कंट्रोल नहीं रहेगा, जैसे मान के चले वहाँ बहुत सारी आतंकवाद की घटनाएं घट रही है, उग्रवाद की घटनाएं घट रही है, वहाँ सरकार, राज्य की सरकार या फिर जो प्रशासनिक व्यवस्था वो फेलियर है, तो वहाँ क्या करेगी कि वहाँ मार्शल एक्ट या फिर सैन्य व्यवस्था लागू कर देगी, तो वहाँ क्या होगा कि मौलिक अधिकार वहाँ मान्य नहीं होंगे, तो इसलिए 1235 में कुछ आर्टिकल ऐसे हैं जहां पर आपके मार्शल एक्ट लागू हैं, माने सैन्य संबंधित कानून लागू हैं, वहां क्या होगा आपके मौलिक अधिकार मान्य नहीं होंगे, क्योंकि वहां लगातार आतंकवाद का साया होता है, वहां डीसी काम न, मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं हमारे हैं वो काम नहीं कर पाती है या फिर उनका मुकाबला नहीं कर पाती है, तो वहां डायरेक्ट माने कह सकते हैं सैन्य मतलब आर्मी को कंट्रोल दे दिया जाता है। तो अगर हम मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 14 से 32 तक है, ठीक है, बाकी होता है आपका जब कुल मौलिक अधिकार की बात करेंगे तो 1235 जाएगा, लेकिन सिर्फ हमारे 6 मौलिक अधिकार जो हमारे लिए नेसेसरी है वो आपके 14 से 32 में आते हैं। अब देखिए इनको अगर आपको सबसे पहला मतलब सीरियल भी आपको याद करवा देते हैं कि सीरियल कैसे याद होगा, ये अपने शोध किया शिक्षा को संविधान पर किया, साइलेंट है पर साइलेंट है, यानी इक्वलिटी यानी फ्रीडम, शोध यानी शोक या शोषण के विरोध, ध यानी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, किया क्या है साइलेंट, इसको सूट करने के लिए है, शिक्षा यानी शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, और संविधान यानी संविधान के उपचारों का अधिकार, तो ई यानी इक्वलिटी, इसको दो को वर्ड इंग्लिश में लिए, इक्वलिटी मतलब समानता और फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता मतलब किस टाइप की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आजादी, यानी अगर देश के प्रधानमंत्री भी अगर गलत हैं तो आप बोल सकते हैं,
इससे पहले क्या था, अगर कोई राजा था तो राजा के खिलाफ आप बोलते थे तो आपको सजा मिल जाता था, उसकी जबान काट लो। जब राजतंत्र हुआ करता था तो आम जनता राजा के खिलाफ बोल नहीं पाती थी, लेकिन जब भारत में संवैधानिक दौर आया, कानून का दौर आया, तो एक आर्टिकल हमें मिला जिसको हम लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच बोलते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बोलते हैं, कि आप बोल सकते हैं। जैसे अभी जो विधायक सांसद हैं, अगर वो गलत बोलते हैं, जैसे हमारा मन किया विधायक को चोर बोल दी, बोल सकते हैं, लेकिन हमको ये प्रमाण देना होगा उन्होंने क्या चोरी किया, टैक्स चोरी किया कि हमारे जो योजना है उनको चोरी किया, ये आपको प्रमाण मतलब तथ्य देना होगा। तो मेरे कहने का मतलब है इस देश में आप बोलने की आपको आजादी है, अगर आपको लगता है वो डीसी चाहे एसपी क्यों ना गलत है तो उसके खिलाफ हम बोल सकते हैं। तो ई यानी इक्वालिटी। अब देखिए कहां शुरू होता है, सबसे पहले आपका आर्टिकल 14 से लेके बस एक फॉर्मूला है, 14 में आपका वही होता है समानता का अधिकार, इक्वालिटी मतलब समानता। उसके बाद क्या आता है आपका, ये आपका चल जाए 18, इसमें से अलग अलग आर्टिकल है। 14 में आपका है विधि के समय समानता, 15 में आपका मैंने किसी जाति धर्म, 16 में भी नियोजन को लेकर है, 17 में अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत जो होता था हमारे देश में उसको अंत है, 18 में कि आप अपने नाम के से बहुत कोई लगाता था राजा महाराजा चक्रवर्ती है ना, तो उसका मतलब है कि आप अपने नाम के आगे सब कुछ नहीं लगा सकते हैं, तो ये लोग लगा सकते हैं एक एजुकेशन लाइन में और एक सेना के लाइन में, मेजर कर्नल और जो जो डॉक्टरेट करते हैं अपने नाम के आगे डॉक्टरेट लगा सकते हैं, बाकी कोई विधायक भी है ना तो अपने नाम के विधायक नहीं लगाएगा, तभी उसे घर में जाके देखिएगा, अगर वो आईएएस भी होता है तो पहले उसका नाम लिखा रहता है कि सुनील कुमार जो भी है और नीचे लिखा रहता है आईएएस, आगे नाम के आगे आईएएस क्यों नहीं लगाता है। इस देश में संविधान के अकॉर्डिंग दो ही लोग अपनी पदवी को आगे लगा सकते हैं, एक जो एजुकेशन लाइन में और एक सैन्य लाइन में, सैन्य में कोई कैप्टन होता है तो लिख सकता है कैप्टन कुलदीप सिंह, मेजर अजय कुमार महतो, कर्नल इम्तियाज अहमद, यानी अपने नाम के आगे सैन्य लोग लगा सकते हैं, लेकिन आईएएस कभी घर के सामने कभी कभी जाके देखिएगा वो अपना नाम लिखता है लेकिन नीचे लिखता है कि वो आईएएस है, अपना जो नीचे लिखता है, विधायक भी अपना नाम लिखेंगे पहले से श्री लंबोदर महतो, नीचे लिखेंगे विधायक गोमिया, आगे नहीं लिखेंगे। तो ये है आपका 18 में, तो ये 14 से 18 हालांकि समय नहीं है, समानता का अधिकार का बात होता है। 19 में आपके बोलने की स्वतंत्रता स्पीच, उसके बाद आपका क्या है सो बोले ना सीधा हाँ, तो उसके बाद आपका हो गया 19 20 21 22 तक ये है, उसके बाद आपका 23 और 24 में क्या है, 23 और 24 में शोषण के विरोध अधिकार, फिर आपका क्या है 25 26 27 28 अधिकार, और लास्ट में आपका है 32 में क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब आपने ध्यान दिया कि एक आर्टिकल आपका छूट गया 31, इसको क्या किया है कि संशोधन करके 31 को संपत्ति का अधिकार को 300A में लेके जाके डाला गया है। तो ये हमारे आर्टिकल्स हैं, अगर आपको पूछा जाए कि 6 अधिकारों में बाय द वे एक बार सीरियल लिख देते हैं और हम विदाई लेंगे, जैसे आपको ये पूछा जाएगा कि कौन कौन आर्टिकल में कौन सा अधिकार है, तो पहला क्या बोले समानता का अधिकार, तीसरा क्या था शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा क्या था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा में क्या था शिक्षा व संस्कृति, शिक्षा व संस्कृति, छठा क्या था संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों। अब जैसे कि
आपको फायदा है, जिनको अगर याद नहीं हो रहा है कौन सा आर्टिकल में क्या है, छह वो तो हमारे पास है, लेकिन आपको अगर याद नहीं हो रहा है तो आपको एक फॉर्मूला दे रहे हैं, इजिली याद हो जाएगा। चार देखिए, अगर फायदे में आपको याद नहीं हो पाएगा कि भाई कौन सा कितने आर्टिकल में, तो इसको याद रखेगा कि पहला वाला पांच, लास्ट में वन, बीच में फोर टू फोर टू, ठीक है, फर्स्ट वाला फाइव, लास्ट वाला वन, और बीच में फोर टू फोर टू। तो फाइव यानी स्वतंत्र, जो आपका समानता का अधिकार है ना, ये पांच आर्टिकल में है। कितना आर्टिकल इसका है? 14 से लेके 18। तो फॉर्मूला को क्या दिया कि पांच चार दो, फिर चार दो, फिर एक, याद रखिए पांच चार दो लास्ट में एक। आप स्वतंत्रता का अधिकार आपका कितना है? चार, चार यानी 19 से 22। उसके बाद क्या है? पांच चार दो, दो यानी इसमें दो आएगा, 23 और 24। फिर आपका क्या है? चार यानी शिक्षा संस्कृति में, फिर आपका कितना आएगा? चार यानी 25 से लेके 30। एक सेकंड, धार्मिक सुंदर छूट रहा है ना, तो धार्मिक संता है आपका चार है ना, 25, 26, 27, 28। फिर आए कितना? दो यानी 29 और 30, और लास्ट में एक है यानी संवैधानिक उच्चार, एक ही लाइन में है, उसका नाम है 32। इसको याद रख लीजिएगा, क्या फॉर्मूला है? पांच फर्स्ट में, लास्ट में वन, ठीक है, पहला वाला सबसे ज्यादा, लास्ट वाला सबसे कम, और बीच में एक बार रिपीट कर दीजिएगा, फोर टू फोर। पहला वाला जो आएगा वो पांच में, लास्ट वाला एक में, और बीच में रिपीट कीजिएगा, फोर टू फोर टू, यानी दूसरा वाला चार में दो में, चार में दो में एक। कैसा लगा क्लास? आया, सबको समझ में आया कि नहीं? चलो ठीक, बाय बाय।